बीएड प्रवेश परीक्षा में अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो यह क्वेश्चन आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यह क्वेश्चन देखा गया है कि कौन ऐसा साल नहीं है जिसमें यह प्रश्न नहीं पूछा गया है। कहता है, निम्न में कौन सा अनौपचारिक संस्था है? यह प्रश्न फिक्स है क्योंकि बीएड प्रवेश परीक्षा में इस प्रश्न से कहीं ना कहीं प्यार हो चुका है। यह प्रश्न कौन ऐसा साल नहीं है जिसमें यह प्रश्न पूछा नहीं गया है? तो यह प्रश्न गलती हो जाता है और आज के बाद यह हमारा प्रश्न गलती नहीं होगा क्योंकि इसमें अनौपचारिक संस्था की बात हो रही है, यानी इनफॉर्मल, क्या इनफॉर्मल की बात हो रही है? कौन सा हमारा इनफॉर्मल संस्था है, इंस्टीट्यूट है? ऑप्शन देखते हैं, कहता है वर्ग कक्षा, खेल का मैदान, पुस्तकालय और सेमिनार। सबसे पहले हम समझते हैं कि हमारा ये अनौपचारिक शिक्षा होता क्या है। अनौपचारिक शिक्षा होता क्या है? अनौपचारिक संस्था पहले या शिक्षा जोड़ लेते हैं, ठीक ना? देखिए, अनौपचारिक शिक्षा में क्या होता है, मुख्य रूप से परिवार आता है। परिवार, और परिवार अनौपचारिक शिक्षा में क्यों आता है? क्योंकि परिवार से बच्चा कुछ भी सीखता है। मान लीजिए एक बच्चा है, ठीक, अगर परिवार से कुछ सीखा तो फिक्स ना टाइमिंग है कि बच्चा कब सीखेगा, ना उसका रूटीन है, ठीक, ना उसका रूटीन है कि बच्चा कितने बजे सीखेगा, ना ऐसा नहीं है कि इतने बजे घंटी बजेगी और बच्चा इस समय सीखेगा। यानी इसके लिए ना टाइम फिक्स होता है, ना रूटीन फिक्स होता है, ना उनका क्या मतलब घंटी फिक्स है कि इतना घंटी में इतना बजे आपको परिवार में कुछ आपको सीखना है। यानी जब भी एक सिस्मेटिक ढंग से सीखने की प्रवृत्ति नहीं होती है तो यह हमारा अनौपचारिक शिक्षा कहलाता है, जिसे हम इनफॉर्मल एजुकेशन के नाम से भी जानते हैं। इनफॉर्मल एजुकेशन आपसे भी पूछा जाता है, एक बार पूछता है इनफॉर्मल और एक बार पूछता है फॉर्मल। इसीलिए जो भी कुछ पूछे, इनफॉर्मल पूछे तो आप ये समझ गए होंगे, जिसमें आपको परिवार याद रखना है, फिक्स है, ठीक। और इसमें आपको देखिए, जैसे वर्ग कक्षा में है क्या, इसके लिए तो फिक्स है। फिक्स क्या है? इसके लिए टाइमिंग फिक्स है कि आपको इतना बजे स्कूल जाना है और इतना घंटी में मैम जो है, हिंदी वाली मैम जो है, ठीक ना, बायोलॉजी वाली जो मैम है, जो साइंस पढ़ाती है, मतलब हिंदी पढ़ाती है, वो मैम उनके सेकेंड घंटी है। यानी क्या है, उनका सेकेंड घंटी है, साइंस पढ़ाएगी, कोई मैथ पढ़ाएंगे, तो फिक्स है। लेकिन खेल का मैदान में ऐसा कोई भी फिक्स नहीं है, कभी भी यहाँ एजुकेशन हमारा सीख सकते हैं। पुस्तकालय के लिए भी टाइम फिक्स है, घंटी, सब कुछ, रूटीन फिक्स है, सेमिनार के लिए भी फिक्स रहता है, लेकिन खेल के मैदान हमारा यह अनौपचारिक हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं कि हमारा औपचारिक क्या होता है, यानी औपचारिक क्या होता है। औपचारिक जो कि हमारा क्या कहलाता है, फॉर्मल एजुकेशन, फॉर्मल, क्या हमारा फॉर्मल, इसके लिए सभी कुछ फिक्स रहते हैं, जिसमें आपको सबसे ज्यादा माना जाता है विद्यालय, ठीक। तो एक बार देखा गया है कि पूछा गया है आपसे कि परिवार क्या है, तो परिवार हमारा अनौपचारिक संस्था हो जाएगा, अनौपचारिक हो जाएगा, अनौपचारिक एजुकेशन में आ जाएगा, और विद्यालय जो है यह आपका औपचारिक हो जाएगा। इस प्रकार आप जो सबसे ज्यादा बार पूछा गया है, यह आपका औपचारिक हो या अनौपचारिक, जिसमें एग्जाम्पल के तौर पर यही दोनों लेता है, एक लेगा परिवार और दूसरा लेगा हमारा विद्यालय, क्योंकि पूछ देगा कि परिवार हमारा कौन सा एजुकेशन है, तो यह हमारा क्या हो जाएगा, यह हमारा अनौपचारिक हो जाएगा, अनौपचारिक, जिसे हम इंग्लिश में इनफॉर्मल कहते हैं, और यह विद्यालय जो है यह हमारा औपचारिक होगा। इस प्रकार ऐसे प्रश्न फॉर्मल और इनफॉर्मल से सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो आज के बाद यह सेशन आपको अच्छा लगा होगा, और आज के बाद यह जो हमारा यह अनफॉर्मल या फॉर्मल से आज का प्रश्न, आज के बाद आपको गलती नहीं होगा। तो वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद साथी।